हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपके सपोर्ट की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम वीकली प्रेडिक्शन ले रहे हैं और आपको जो भी गाइडलाइन मिलती है, जो भी रेजोनेट होती है, वो आप रख लीजिए, ठीक है। गाइज, मैं पहले यहाँ पर एंजल्स की गाइडलाइन लेती हूँ आपके लिए। वीक के लिए आपके क्या गाइडलाइन है वर्गो पीपल? थैंक यू यूनिवर्स। यस, वर्गो के लिए आया है ये कार्ड। टू मच गोइंग ऑन, स्ट्रेस कॉज बाय मेनी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और रैपिड चेंजेस, द एबिलिटी टू मल्टीटास्किंग, ओके, बिजनेस ट्रैवल, ये आपके लिए कार्ड है आया हुआ है। इट्स अ गुड, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको आ रही हैं, ठीक है। और गाइस, जिनसे रेजोनेट होता है उन्होंने जरूर सब्सक्राइब करना। देन पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यहाँ पर गाइडलाइन आई है, टाइम टू गेट टू वर्क, एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट इट्सेल्फ, हैप्पी न्यूज अबाउट योर करियर, प्रमोशन एंड स्कॉलरशिप, ठीक है, अ न्यू एरिया ऑफ स्टडी, ठीक है। जो शायद ये अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ वो एरिया के बारे में आपको सर्च करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही सुंदर गाइडलाइन यहाँ पर हमें एंजल्स के तरफ से आई है आपको, वर्गो पीपल, ठीक है। और यहाँ पर आप सबको बता दूँ कि मैं यहाँ पर पर्सनल रीडिंग, लव रीडिंग, और आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, आपकी विश है, तो उसके लिए आप छोटा सा डोनेशन करके आपकी विश आप मुझे भेज सकते हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो दे दूंगी, ठीक है। तो आप देखिए आपके हिसाब से, थैंक यू। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड निकला है वर्गो के लिए, ठीक है। यहाँ पे नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है वर्गो पीपल। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं। आप शायद बहुत ही इससे रिलेटेड भी हो सकता है, आप अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो जल्दी से अपॉर्चुनिटीज आ जाए, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर निगेटिव थॉट्स करते हुए दिख रहे हो। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डिप्रेशन में गए हैं, या यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पर शायद कितने भी यहाँ पर ब्लैक क्रोज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बट यहाँ पर वाइट एक बर्ड यहाँ पर उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और वही आपके होप्स है, वही पॉजिटिव थिंकिंग है। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव टर्न अप होना है, पॉजिटिव चेंजेस में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर पहले ब्लेसिंग आई है। ये अपॉर्चुनिटीज आपको आ रही है, डिवाइन के तरफ से आ रही है, आपको पेशेंस रखना है, आपको वेट करना है, ठीक है। यहाँ पर या टेन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आप शायद किसी को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आप आपकी फैमिली को मिस करते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, या आपके पास्ट लाइफ की जो भी सिचुएशंस है, यादें हैं, वो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हो, वर्गो पीपल। यस, आप आपके पार्टनर को मिस कर रहे थे या पास के एनर्जी में है वो, ठीक है। आप वहाँ से निकल गए हो, आप फ्यूचर के तरफ यहाँ पर जा रहे हो, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो है होप्स है, वो उसके लिए आपके पास शायद टाइम नहीं है। यहाँ पर टाइम का यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसकी वजह से आप ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो कि आपको जो अपॉर्चुनिटी चाहिए वो बहुत ही जल्दी चाहिए, आप चाहते हो कि वो जल्दी से मिल जाए, फटाक से मिल जाए, ओके, आप ये चाहते हो। यस, वो आने वाली है, आपको वेट करना है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद में आपको साथ में काम करना है, किसी के साथ में काम करना है, किसी का सपोर्ट लेना है। शायद आप बहुत अकेले यहाँ पर नजर आ रहे हो, या वर्गो पीपल, आपको सपोर्ट लेना है, आपको टीम वर्क करना है, ना कि आप अकेले ही आपको आगे बढ़ना है।
पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पर यही गाइडलाइन आ रही है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ है, आप ना कट कर सकते हो आपके नेगेटिव जो थॉट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके सर के ऊपर मंडरा रहे हैं बहुत सारे, तो यहाँ पर आप वो निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हो। वो आपके अंदर ताकत है, वो स्ट्रेंथ है। आप चाहते हो तो सब कुछ निगेटिव पास्ट आप भूल जा सकते हो, ठीक है, और आप आपके स्टडी पर फोकस कर सकते हो। जो भी आपको आगे बढ़ना है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, ना कि वो थॉट्स, निगेटिव थॉट्स आपको कैच करते बैठना है, ठीक है। यहाँ पर कैच नहीं करना है, यहाँ पर उसको छोड़ देना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। और उसकी जगह पर आपको क्या लाना है, क्रिएटिव माइंड लाना है। आपके जीवन में फ्यूचर के लिए आपको क्या क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, और क्या न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आती है, और क्या आप चाहते हो आपके लाइफ से, आप आगे किस लिए बढ़ना चाहते हो, क्यों बढ़ना चाहते हो, इसके ऊपर आपको फोकस करना है, ना कि आपको निगेटिव जिसमें आप बैठे हो वहाँ पर आप लेना है द एम्परर, ठीक है। या यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका वीकनेस क्या है कि आप ना बहुत मीन्स आप स्मार्ट हो, पर यहाँ पर आप खुद को स्मार्ट नहीं समझते हो, स्मार्ट दिखाते नहीं हो, आपके अंदर के हुनर दिखाते नहीं हो, आपके अंदर का एटीट्यूड नहीं दिखाते हो। आप ऐसे पर्सन हो कि आप चाहकर भी आप वो कर नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर ये गाइडलाइन आ रही है कि आप दिखाओ, यस, आप किंग हो, आप किंग हो, किंग की एनर्जी है आपके अंदर, आप बोल्ड हो, आप डेयर हो, ठीक है। आपको वो दिखाना है, ठीक है, यहाँ पर दिखाना है। हम फिर से इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और यहाँ पर बोनस कार्ड भी हम निकालेंगे, ठीक है। मेरा न्यू डेक आया है उसमें से हम बोनस कार्ड निकालेंगे ज़रूर लास्ट में। तो यहाँ पर हम क्लैरिफाई करते हैं आपके नाइन ऑफ शॉर्ट्स को कि एग्जैक्ट आपके क्यों ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आया है। प्लीज क्लैरिफाई द नाइन ऑफ सॉर्ड्स। थैंक यू यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, या नाइन ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, सेवन ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी लेके बैठे हैं, तो यहाँ पर नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही दिखा रही है कि आप ना आप करियर ओरिएंटेड हो, आपको फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना है, डेफिनेटली स्ट्रांग होना है, ठीक है। आपके जीवन में पूरी तरह फुलफिलमेंट हर चीज आपके पास में हो, आप ये कंसिडर कर रहे हो, और आप ये भी चाह रहे हो कि आपको मीन्स आपके जीवन में हर चीज रहे, जैसे घर रहे, फैमिली रहे, सब खुशियाँ रहे, बड़े रहे, बुजुर्ग रहे, और मीन्स जो हमारे नीड्स है वो सब कुछ अच्छे से आप कर पाओ, ऐसा आपका यहाँ पर दिख रहा है। यानी कभी ऐसी चीज़ ना आए, मैं ऐसा करियर कहीं पर ऐसा चूज करूँ, मैं यहाँ पर न्यू बिगनिंग ऐसे करूँ, यहाँ पर क्रिएटिव माइंड ऐसे रेडी रहूँ कि फाइनेंशियली अभी इतना स्ट्रांग रहूँ कि मैं पूरा फुलफिल हो जाऊँ, मुझे किसी चीज़ की यहाँ पर कमी ना हो, मेरे दुनिया में कुछ कमी ना हो, ठीक है। बट यहाँ पर आप क्या हो रहे हैं, यहाँ पर कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो आपके दिमाग में बहुत सारी क्रिएटिविटीज आइडिया आ रही है, यस, बहुत सारी आ रही है, ठीक है। आप उसको चूज करना, ऑप्शन सिलेक्ट करना, या किसी का सपोर्ट लेना यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर क्या सपोर्ट लेना चाहिए, आपने क्या सपोर्ट लेना चाहिए, क्या सिलेक्ट करना चाहिए, किस वे से आपने आगे बढ़ना चाहिए, ये आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन है। शायद इसीलिए आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में यहाँ पर दिख रहे हैं, और यहाँ पर आपको उम्मीद है, आपको ये कन्फर्म पता है कि आप सेवन ऑफ कप्स, चाहे कितने भी ऑप्शन रहे आपके पास में, पर आप ना सिलेक्ट जरूर करोगे, पर आपको वो ना फिक्स नहीं कर पा रहे हो, वो शायद वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, शायद आप मल्टीटास्किंग करने वाले पर्सन हो, शायद
वर्गो पीपल भी वैसे भी बहुत क्रिएटिव रहता है, ठीक है, हर एक एक इसमें फील्ड में जहां पर भी जाना वो कैच कर रहता है, क्योंकि ग्रास्पिंग पावर बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, वो दिमाग में ज्यादा टाइम रहे ना रहे, बट राइट टाइम जो टाइम पर उनको कैच करना है वो कैच कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने पहले बोला था कि आपको ना सपोर्ट की बहुत जरूरत है, आपको सपोर्ट लेना है और डेफिनेटली आप सपोर्ट लेने वाले हो, ठीक है, ये है, रेडी है वो सपोर्ट आपके लिए रेडी है, बस आपको ढूंढना है कि किस किससे आपको सपोर्ट लेना है और किससे नहीं लेना है, ठीक है। हम आपकी पास्ट की एनर्जी 10 ऑफ कप्स के यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू, यहाँ पर हम ये क्लैरिफाई करेंगे कि आपकी पास्ट की एनर्जी 10 ऑफ कप्स की क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, या 10 ऑफ, यहाँ पर पास्ट की एनर्जी जो आई है, द लवर्स का कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी आई है, गाइस जो कार्ड्स निकलते हैं वो दिखा रही हूँ, आपका जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आपकी पास्ट एनर्जी यहाँ पर ऐसे आ रही है कि आपने शायद आपके पार्टनर को यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आपका शायद वहाँ पर मैच नहीं हो रहा था, यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है, और आपका बहुत सारा पैसा इसमें लॉस हुआ है, और उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, ओके, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, ठीक है। ये कार्ड्स आए हैं और ये कार्ड्स आपको फाइनेंशियली यहाँ पर बहुत सारा लॉस होते हुए नजर आ रहा है, जिसके वजह से आप यहाँ पर स्टक हो गए थे और आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर फिर से आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, इसलिए स्टिल आप वही सेम एनर्जी में अभी हो, बट राइट नाउ आप थोड़ा सा वो स्टेप से आगे आए हो, ठीक है, आपने खुद का वो जो एक पीरियड था, एक टाइम पीरियड था, एक बैड टाइम पीरियड था, जो बहुत ज्यादा पास्ट की एनर्जी को आप पकड़ के थे, वो यहाँ पर रिलीज होते हुए दिख रही है, वो आपने छोड़ दिया है, बट अभी जो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है, वो कार्ड इसलिए कि फ्यूचर का आप यहाँ पर अभी टेंस लेते हुए दिख रहे हो कि फ्यूचर में अभी आपको क्या करना है। तो इसके लिए आपके पास में जो भी पर्सन रहेंगे आपके फील्ड से रिलेटेड जो भी है, उनको एक बार आप देखो, उनसे बातें करो, डिस्कस करो, उसमें से आप सिलेक्ट करो कि आपको राइट वे क्या मिलता है, ओके, डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हम क्लैरिफाई करेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं आप, और क्या स्ट्रेंथ आपके इसमें बढ़ा सकते हैं। या गुड, थैंक यू यूनिवर्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, यहाँ पर द डेविल का कार्ड आया है, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, और द टेम्परर सॉरी एम्परर का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पर यही गाइडलाइन आ रही है गाइस की, ये डेविल का कार्ड आया है, और यहाँ पर यही है कि आपके पास में ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। ये सेवन ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि आपके पास में ऑप्शंस हैं, ठीक है, पर आपको अप्रोच होना है, ठीक है, वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन करना है, आपको वहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ बहुत ही अच्छा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको कम्युनिकेशन करना है, आपको बात करनी है, आपको जाके मिलना है, ठीक है। और यहाँ पर द एम्परर का कार्ड यही दिखा रहा है कि आपके पास में बहुत ज्ञान है, आपके पास में एक्सपीरियंस है, आप ना एक मैंने पहले कहा था, एक आपकी किंग की एनर्जी है, आप में वो एक पैशन है, आप में एक स्टाइल है, आपके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है, आप जिस वे से जाना चाहते हो आप जा सकते हो वर्गो,
यू आर अ ग्रेट, बट और यहाँ पर ये भी स्ट्रेंथ है कि आपके अंदर जो भी अपना जो भी निगेटिव एनर्जी है, मैंने पहले कहा था कि आप आपकी ना निगेटिव एनर्जी आप ना छोड़ सकते हो, तुरंत छोड़ सकते हो, आपने डिसाइड कर दिया ना, तो यहाँ पर आप उसको कट्स कर सकते हो। यहाँ पर डेविल का कार्ड इसलिए आया है कि आप ना करियर को आपके फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, और जो कि आपको करना है, ठीक है, आप यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि आप ना डेविल का कार्ड यहाँ पर इसलिए आया है कि एक एक ऐसी ये है कि गुड न्यूज़ ऐसी है कि आप ना चाहे आपके जीवन में करियर जब आप स्ट्रगल करते हो, कोई भी ऑब्स्टेकल्स आए ना, उसको आप पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला है, आप उसको कट कर दोगे, डेफिनेटली कट कर दोगे, वो वायर कट कर दोगे, वो उसके पास में जाओगे नहीं आप, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किसके पास जाना है, ठीक है, आपको क्या करना है, ये आप में समझ है कि अभी आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक मैच्योरिटी लेवल जो रहते हैं ना, यहाँ पर ये दिख रहे कि आपको ये समझ में आ रहा है कि किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है, ठीक है, और किसके किसके साथ आपको काम करना है, किसके साथ नहीं करना है, यहाँ पर ये आपकी स्ट्रेंथ है। ओके, यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर रीडिंग अच्छी चल रही है, और वर्गो पीपल या आपका यहाँ पर मुझे फ्यूचर बड़ा ही अच्छा नजर आ रहा है, बिकॉज आप यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हो, यहाँ पर एंजाइटी में बैठे हो, यहाँ पर टेंशन लेके बैठे हो, पर यहाँ पर आगे निकलते हुए नजर आ रहे हो। द एम्परर को क्लैरिफाई करेंगे हम यहाँ पर। वाह, थैंक यू फोर कार्ड्स, कैसे थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है, फोर कार्ड्स गिर गए हैं, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। यहाँ पर द एम्परर की एनर्जी क्या है कि आप ना, आपको मैंने कहा ना, आपको ना भगवान दे रहा है मिसिंग फैक्ट्स, आपके पास में गॉड गिफ्टेड कुछ ना कुछ है, आपको उसको इम्प्रूव करना है, आपको इम्प्रूव करना है, आपको देखना है, ठीक है, और आप ना उसको देख ही नहीं रहे हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा लेनी है, आपकी एक पास्ट लाइफ गई, इसलिए क्या है कि गया, ठीक है, इट्स ओके, जो है जो नहीं है, पर आगे है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का शायद आप थोड़ा सा यहाँ पर डर नज़र आ रहा है आपको, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले, क्या ले, उसके लिए आप ना रिसीविंग नहीं कर रहे कि उसके लिए रेडी नहीं हो रहे अंदर से, दिल से, ठीक है, यहाँ पर आपको रेडी होना है, ठीक है, आप बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो, जस्टिस मांग रहे हो, आपको इस बात का भी डर लग रहा है कि हाँ सचमुच भगवान मेरे से जस्टिस करेगा कि नहीं, न्याय करेगा कि नहीं, मुझे आगे, यानी ये सब ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठीक है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है यहाँ पर यस, आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, और आप ना खुद के ही जीतने से डर रहे हो, आपको जीतना है, ठीक है, यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड आया है, ये ब्लॉकेजेस हैं आपके, आप खुद ही डर रहे हो, मैं आगे बढ़ूंगा कि नहीं, मैं सक्सेस रहूंगा कि नहीं, ये आप पहले से डर रहे हो, ठीक है, आप पहले से डर रहे हो, रूट चक्रा ब्लॉक है आपका, ठीक है, यहाँ पर आपको ओपन करना है, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है, ये हो सके तो आप सब चक्रास पर काम कर लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ना बहुत ही ज्यादा डर रहे हो, खुद के सक्सेस से डर रहे हो, सक्सेस है आपको, और कोई खुद के सक्सेस से डरता है भला, आप डर रहे हो कि हाँ होगा नहीं होगा, मैं सक्सेस रहूंगा नहीं रहूंगा, या आप सक्सेस रहोगे क्यों नहीं रहोगे, ठीक है, वर्गो पीपल, यस, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपको, आपको लेना है, माई गॉड, एस ऑफ वॉन्ड्स का, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी गिरा है, वाओ, द फूल, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी, ठीक है, कितने कार्ड्स गिर रहे हैं, थैंक यू, सॉरी, प्लीज हो सकते, थ्री ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर हम क्लैरिफाई करेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, आपके पास के पर्सन कोई भी आ सकते हैं, आपके जो भी है पास्ट लाइफ से, ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, और आपके ट्रू डिजायर, ट्रू सोलमेट भी आपके हो सकते हैं, जो आपको यहाँ पर
आते हुए नजर आएंगे और आपका जो जो हार्ट चक्र है ना वो उसके लिए ओपन रखना, ठीक है। यहाँ पर आपके करियर के इसमें जो आ रहा है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, या आप रुके हुए हो यहाँ पर बहुत ही, यानी आपको जैसे चाहिए फेम चाहिए आपको, आपका बिजनेस हो कुछ भी हो, आपको बहुत बढ़ाना है, ठीक है, आपको बहुत बढ़ाना है और आप उस चीज़ का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर डोर ओपन है आपके लिए, ठीक है, ओपन है, आपको आगे जाना है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी वही कह रही है कि आपको एक्शन लेना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है और यहाँ पर जो भी आपने होप्स लगाए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको आपके ना हाई एम्बिशंस है, यहाँ पर आपकी न्यू बिगिनिंग है, यहाँ पर आपका सब कुछ है, ठीक है, जो आप चाहते हो, बस आपको यहाँ पर निकलना है, निकलना है, आगे बढ़ना है। बॉटम ऑफ द डेक, देखो मैंने कहा निकलना है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है, आपको इस कंफ्यूजन से आपको निकलना है, आपको सिलेक्ट करना है, अभी आपके पास में टाइम नहीं है, आपको फास्टली किसी के साथ में कम्युनिकेशन करो, सपोर्ट लो, देखो क्या है क्या नहीं है, ठीक है, जो एरिया में जिस वे में आपको जाना है उसके लिए आपको उस एरिया का आपको एनालिसिस करना है, स्टडी करना है और देखना है कि क्या है, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेंथ भी बढ़ाना है आपकी ना, स्ट्रेंथ बढ़ाओ, यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, डेफिनेटली सक्सेस बताते हैं, फायर फायर, आगे बढ़ना है, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लेना है, क्रिएटिविटी को आपके ओपन करना है, ओपन माइंडेड रहना है, ठीक है, पीछे का तो आप डेफिनेटली यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं आ रही है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यस, ये यही दिखाता है कि जो आपने आज तक अच्छे काम किए, गुड कर्मास किए, आपको उसका रिवॉर्ड्स जल्दी मिलेगा, आप उसका उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, आप जो फाइनेंशियल कंडीशन से आप निकलना चाहते हो, तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि यस आप निकलोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि आप ही पॉज लेते हुए यहाँ नजर आ रहे हो, आप क्यों पॉज ले रहे हो वर्गो, आपको पॉज नहीं लेना है, आपको कंफ्यूजन से निकलना है, ठीक है, आपको सरेंडर का रहना है, ठीक है, डिवाइन के ऊपर, परमात्मा के ऊपर सरेंडर रख के सरेंडर करना है, ओके, और उनको उनको याद करके उनके ऊपर छोड़ देना है और यहाँ पर एक विश्वास रखकर आपको स्टेप लेना है, ठीक है, यहाँ पर कितने दिन बैठोगे आप, एक जगह पर कितने दिन बैठोगे वर्गो, ठीक है, यहाँ पर नहीं रुकना है, कितने दिनों से यहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ पर नहीं रुकना है, ठीक है, 9 वीक से हो गया आप यहाँ पर ही शायद रुके हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, 9 वीक बहुत होते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका आपके लिए, ओ माय गॉड, गिर भी गया, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्ड आया है, द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम एंड ऑलमोस्ट फॉरगेटन विश विल नाउ कम ट्रू, ठीक है, जो आप यहाँ पर ये एनर्जी आई है, जो आपने विश कहीं कभी तो भी आपने विश बोला था किसी ट्री को पेड़ के सामने या नेचर में जाके कहीं टेंपल पे आपने कुछ विश आपने की थी, ठीक है, आप अपनी मनोकामना आपने कहा था, वो मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है, या शायद या ये 24 एंजल नंबर 24 आप जरा देख लेना, ठीक है, आपके लिए क्या गाइडलाइन है, ओके, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक बोनस कार्ड बहुत ही अच्छा आया है, योर डीपेस्ट डिजायर कॉन्स्ट्रेन यू, लेट देम गो टू क्लियर योर माइंड, बोनस कार्ड में भी यही कहा है कि आपका माइंड में जो कह रहे हो कि आपका माइंड क्लियर करो, ठीक है, इस सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी से आपको निकलना है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से आपको यहाँ पर निकलना है, यस, डिवाइन भी यही आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर कार्ड आया है, ओके, दोनों भी कार्ड बहुत सुंदर आए हैं, आप शायद कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर आपकी आगे वो विश कंप्लीट होने वाली है और आपको आपका इस वक्त माइंड पूरा क्लियर करना है, धो डालो, ठीक है, धो डालो उसको, निकाल दो, ठीक है गाइज, यहाँ पर बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है, गाइडलाइन भी आई है यूनिवर्स की तरफ से, जिनसे भी रेजोनेट होती है तो प्लीज उन्होंने सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है, कमेंट्स कर देना,
व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप उसमें उस पर आपको कुछ भी रीडिंग करना है या फोन पे करना है, आपकी विश वहाँ पर बोलना है, जो मैनिफेस्ट करना है, तो वो प्लीज़ आप उस पर डाल सकते हो और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।